बीडीसी सदस्य भुवनेश्वर की मौजूदगी में लोगों ने एसडीएम जोगिंदर नगर डॉक्टर विशाल शर्मा और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को शिकायत पत्र सौंपा। इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क के निर्माण में डीपीआर में तय मापदंडों का खुलेआम उल्लंघन हुआ। जहां डंगे लगने थे वहां पर नहीं लग पाए। नालियों में पानी की निकासी के लिए लगने वाले पाइप में अनियमितता बढ़ती गई। पैरापिट निर्माण में भी लापरवाही की गई। ग्रामीणों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रोपा पधर पंचायत के ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त शिकायत पत्र को एसडीएम को सौंपा। उन्होंने मझारनू कुंडूनी कुफरू बनेहड़ करीब 6 किलोमीटर सड़क के निर्माण में लापरवाही पर निष्पक्ष जांच की मांग की। गुरदेव सिंह, प्रेम सिंह, विमला देवी, सोनू किरणा, सुनीता उधम सिंह, निर्मला, सोमा देवी, कमला देवी, राजकुमार, रामकली व अन्य लोगों ने सड़क के निर्माण में अनियमितता और कछुआ चाल चल रहे निर्माण कार्य पर भी लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को घेरा है। एसडीएम डॉक्टर विशाल शर्मा ने लोक निर्माण विभाग को फील्ड रिपोर्ट कार्यालय में भेजने के आदेश दिए हैं। मैं सोन सिंह, ग्राम पंचायत रोपा पधर, गांव भटवाड़ बनेहड़, वहां का स्थायी निवासी हूं। आज हम सभी गांववासी, जिसमें बनेहड़, कलेहड़, भटवाड़ और कुफरू वासी सब मिलकर के एक डेपुटेशन अपनी समस्या को लेकर के यहां आए हुए हैं। तो हमारी समस्या थी जो मझारनू से कुफरू कुंडुनी सड़क है और गलू से भटवाड़ के लिए जो सड़क बन रही है, सर उनका काम बड़े ही कछुआ चाल से चला हुआ है, बहुत ही कम गति से चला हुआ है। तो आजकल उस सड़क की इतनी दयनीय हालत है कि उस पर चलना भी मुश्किल है, पैदल राहगीरों के लिए भी मुश्किल होती है सर। तो रही बात दो पहिया वाहनों या चार पहिया वाहनों की, तो सर उनमें भी बड़ी दिक्कत होती है उनको भी। तो जब हम टैक्सी वगैरह करते हैं आने जाने के लिए, तो सर वो किराया भी डबल चार्ज करते हैं हमसे। जहां 700-800 रुपया टैक्सी वाले लेते थे, आजकल सर वो 1,000-1,200-1,300 रुपया तक ले रहे हैं। तो सर हमें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। जब भी हमने घरों के लिए रेत क्रशर इंटे वगैरह ढोनी हो, उसके लिए भी सर हमें बहुत ज्यादा पैसा जो है देना पड़ रहा है। तो हम सर चाहते हैं, अभी हम अपने एसडीओ साहब पीडब्ल्यूडी और एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी से मिलने के लिए हमारा डेपुटेशन आज आया हुआ था, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी हमें नहीं मिला। तो सर हम सब निराश होकर के, हताश होकर के अभी एसडीएम साहब के पास अपनी समस्या बताने गए थे। तो एसडीएम साहब ने बोला हुआ है कि हम चलो इस मामले को देखेंगे और अपनी आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। लेकिन सर इतनी समस्या उस रोड की खराब है कि जो भी कार्य हुआ है, निर्माण कार्य सर जो जो भी हो रहा है, उसकी गुणवत्ता पर भी सर सवाल है। मतलब कई जगह पैरापिट लगाए गए हैं, कच्ची जमीन पर लगाए गए हैं। अब सर पैरापिट उधर गए नीचे को, उनका लगाने का कोई फायदा नहीं। कई जगह सर वो क्या बोलते हैं उनको, पाइप डाल के ऊपर से डालते हैं, कलवर्ट बनाए गए हैं सर, वो सर अब दब गए हैं सारे। पीछे से मिट्टी आई है सर बरसात के दिनों में, वो दब गए हैं। अब सर पीछे बरसात के समय भी हम रोड के लिए बोलते थे भी रोड हमारा खोलो, तो वो बोलते हैं कि बरसात में बड़ा भारी स्लिप पड़ा हुआ है, जैसे ही बरसात खत्म होगी उसके बाद हम आपका रोड खोल देंगे। सर इन्होंने क्या किया, काम चलाओ रोड थोड़ा थोड़ा खोला, उसमें सिर्फ गाड़ियों को निकलने के लिए जगह बची है। अब सर बरसात गए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो स्लिप ने उठाया नहीं मैं, बस सिर्फ गाड़ियों को निकलने के लिए जगह बची है, बाकी कोई वहां पर जगह नहीं हो। तो मैं चाहता हूं सर कि वो सारे स्लिप्स उठाए जाएं, रोड को पूरा खुला किया जाए और जल्दी से जल्दी इस रोड की जो दयनीय हालत है इसको सर सुधारा जाए और काम को तेज गति से सर करवाया जाए, ताकि लोगों को पक्की सड़क की सुविधा सर मिल सके। तो सर मेरा एक बार पुनः एसडीएम महोदय से, अपने एक्शन साहब, हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंद्रनगर से जतिन लटावा।